हम सभी लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि इस लेड एसिड बैटरी के प्लेट्स को कौन सी मेथड को यूज करके बनाया जाता होगा? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस प्रोसेस में लेड की दो शीट को लिया जाता है और उनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाया जाता है, जबकि एक डायनामो से या फिर एक एक्सटर्नल सप्लाई से करंट को इन लेड एसिड सेल में फ्लो किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अटैक से लेड लेड पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैथोड अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन लेड के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना सकता है। यदि सेल अभी डिस्चार्ज हो जाता है तो पेरोक्साइड कोटेड प्लेट कैथोड का बन जाती है और उनमें हाइड्रोजन बनता है और लेड पेरोक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसके जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार का होती है और इसी टाइम में ऑक्सीजन एनोड के पास जाती है जो कि लेड होता है और रिएक्ट करके लेड पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए एनोड पर लेड पेरोक्साइड की एक थिन फिल्म कवर हो जाता है। करंट के लगातार रिवर्सल या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के होने से लेड पेरोक्साइड की थिन फिल्म थिकर और थिकर होती जाती है और सेल पोलैरिटी को रिवर्स होने में अधिक टाइम लगता है। सैकड़ों रिवर्सल के अधीन होने के बाद दो लेड प्लेट्स पर्याप्त रूप से हाई कैपेसिटी को प्रोसेस करने के लिए सफिशियंट थिक लेड पेरोक्साइड की स्किन को प्राप्त कर लेते हैं और पॉजिटिव प्लेट बनाने की इस प्रोसेस को फॉर्मेशन कहते हैं। और नेगेटिव लेड एसिड बैटरी का प्लेट इस तरीके से एक ही प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। उसके बाद उनके बीच करंट को रिवर्स करके पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के रूप में बदल दिया जाता है, जब तक कि होल लेड पेरोक्साइड स्पॉन्ज लेड में पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यद्यपि जो प्लांटे पॉजिटिव प्लेट होते हैं वह कॉमनली स्टेशनरी वर्क में इस्तेमाल होते हैं और जो प्लांटे नेगेटिव प्लेट होते हैं उनको पूरी तरह से ये फॉरे या फिर पेस्टर टाइप प्लेट्स के द्वारा ही बदल दिया जाते हैं। हालांकि टाइम की अधिक रिक्वायरमेंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भारी एक्सपेंडिचर के कारण इस प्रोसेस को करने में कमर्शियली सुइटेबल नहीं है। एसिटिक नाइट्रिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स या उनके सॉल्ट्स जिसको एजेंट बनाकर फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव और स्लो रहता है और प्लेट सारे भारी होते हैं। आजकल ये देखा गया है कि प्लांटे प्लेट और एक्टिव मटेरियल में लेड पेरोक्साइड का एक थिन लेयर होती है, इसलिए इसकी एक अप्रिशिएबल वॉल्यूम को प्राप्त करने के लिए एक लार्ज सुपरफेशियल एरिया में बनाया जाना चाहिए। जैसा कि फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर एक ऑर्डिनरी लेड प्लेट की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए एक लेड एसिड बैटरी के प्लेट का सुपरफेशियल एरिया को ग्रूबिंग या उसको लैमिनेटिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एक प्लांटे पॉजिटिव प्लेट जिसमें बारीकी से लैमिनेटेड सरफेस के साथ साथ एक पूरे लेड ग्रेड भी होता है और इन्हीं प्लेटों के कंस्ट्रक्शन में बड़ी संख्या में थिन वर्टिकल लैमिनेशन होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बाइंडिंग रिव्स के द्वारा अंतराल पर मजबूत होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुपरफिशियल एरिया व बाहरी एरिया 10 से 12 गुना बढ़ता है, जो कि एक प्लेन लेड शीट के ओवरऑल डायमेंशन के इक्वल होती है। इस प्रकार डिजाइन प्लेट के स्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए इसको सुटेबल बनाकर मास और लेड पेरोक्साइड एक्टिव मटेरियल के वैल्यू को बढ़ाने में संभव पर बनता है। ये तब होता है जब सेल चार्ज या डिस्चार्ज के प्रत्येक साइकिल के दौरान केमिकल चेंजेस की एक सीरीज में से गुजरती है। प्लेट स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन नीचे की ओर होता है जहां इस तरह के पर्पज के लिए कुछ रूम बची होती है। आमतौर पर एक प्लांटे पॉजिटिव प्लेट अपने यूजफुल लाइफ के दौरान
अपनी लेंथ के लगभग 10% या फिर उससे अधिक तक फैलती है। एक अनदर टाइप के पॉजिटिव प्लांटे प्लेट होता है जिसे रोसेट प्लेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5% से लेकर 12% तक एंटीमनी होल्डिंग रोसेट या स्पाइरल कोरोगेटेड प्योर ले टेप के साथ एक परफोरेटेड यानी कि छिद्रित कास्ट ग्रिड या लेड अलॉय का एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट रहता है। फॉर्मेशन के टाइम में जो रोसेट होता है वह पॉजिटिव प्लेट को एक्टिव मटेरियल को प्रदान करते हैं और कंस्ट्रक्शन के दौरान वह सब ग्रेड के होल्स में एक्सपांड होते हैं जो ग्रेड के दोनों साइड पर काउंटर संक होते हैं। ऐसी प्लेटों के एडवांटेज यह है कि लेड एंटीमनी ग्रिड अपने आप खुद से केमिकल रिएक्शन से अनअफेक्टेड रहते हैं और जो फाइनल कंप्लीट प्लेट बनता है वह अनएक्सपेक्टेड रूप से स्ट्रांग होती है। बाकी जो चीज रह जाते हैं वह सभी समान रहते हैं। इस प्रकार इक्वल होने के कारण प्लांटे प्लेट का लाइफ उसमें लेड मेटल के वेट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि सेल के रूटिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लेड पेरोक्साइड की ओरिजिनल लेयर स्लोली स्लोली क्रम्बल्स यानी कि कमजोर होने लगते हैं और वो उखड़ जाती है। अंडरलाइंग लेड मेटल से फ्रेश एक्टिव मटेरियल बनती है। सो ऐसी प्लेट की कैपेसिटी उतनी ही देर तक चलती है जितना खुद प्लेट चलता है और इस प्रकार प्लांटे प्लेट फॉरे यानी कि पेस्टेड प्लेट से बेहतर होती है। मैंने इस प्रोसेस को ऑलरेडी शॉर्टली एक्सप्लेन की हुई है, उसको देखना चाहते हो तो लेट वाला वीडियो पे क्लिक करो। और हाँ, और एक प्रोसेस का वीडियो जल्दी आने वाला है।